भृंगी ऋषि जो भगवान शंकर के बहुत ही बड़े भक्त थे, वह सपने में भी भगवान शंकर की ही पूजा किया करते थे। एक दिन कैलाश पहुँचे और भगवान शंकर से उनकी परिक्रमा का आग्रह करने लगे। भगवान शंकर से अनुमति मांगकर उन्होंने परिक्रमा प्रारंभ की, परंतु वह परिक्रमा पूरी ही नहीं कर पा रहे थे। तब उन्होंने भगवान शंकर से पूछा, प्रभु, मेरे अथक प्रयास के बाद भी आपकी परिक्रमा क्यों अपूर्ण है? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? नहीं, नहीं, तुम्हारी भक्ति में कोई कमी नहीं, परंतु मैं अपूर्ण हूँ, इसलिए तुम मेरी परिक्रमा नहीं कर पा रहे हो। पार्वती, मेरे समीप आके बैठो। माँ पार्वती भगवान शंकर के समीप आकर बैठ जाती हैं। प्रभु, आप शिव और पुरुष रूप में पूर्ण हैं। मैं किसी स्त्री की परिक्रमा नहीं कर सकता, इसलिए मैं सिर्फ आपकी परिक्रमा करूंगा। ठीक है, मेरे वाम अंग में विराजमान पार्वती के रहते ही तुम सिर्फ मेरी परिक्रमा कर सको तो कर लो। महादेव नाम यह ईश्वर वास्तव में अर्ध नारेश्वर है। स्त्री और पुरुष समान है, एक दूसरे के पूरक है, सृष्टि के सृजन का आधार है। मैं मानने को सज नहीं हूँ महादेव, यदि ऐसा है तो स्त्री पुरुष की अनुगामनी क्यों है? क्यों स्त्री पुरुष के पीछे पीछे चलती है? क्योंकि स्त्री का पुरुष के पीछे चलना आवश्यक है। सहारा देने वाले को लड़खड़ाने पर संभालने के लिए पीछे ही चलना होता है। मुझे ये स्वीकार नहीं है महादेव, मैं सिर्फ आपका भक्त हूँ, इसलिए सिर्फ आपकी ही परिक्रमा करूंगा। तुम्हारी दृष्टि में पुरुष के पास और उसके भीतर नारी का कोई अस्तित्व तो नहीं, तो मैं पार्वती प्रकृति होने के नाते, जगत जननी होने के नाते, उस भाग को तुम्हारे अंदर से बाहर आने का आदेश देती हूँ जो तुम्हें एक नारी से प्राप्त हुआ। ये श्राप पाते ही ऋषि भस्म बनकर भूमि पर गिर जाते हैं और पश्चाताप करने लगते हैं। माँ, मैं अज्ञानी था जो स्त्री शक्ति को पहचान न सका। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। ऋषि के पश्चाताप से माँ पार्वती का क्रोध शांत हो जाता है। वो ऋषि को श्राप मुक्त कर आशीर्वाद स्वरूप तीसरा पैर प्रदान करती हैं संबल के लिए।